राउंड टू में ग्रुप डिस्कशन राउंड हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के गुड़गांव के ऑफिस में बुलाया गया और वहां पर 60 स्टूडेंट्स का ग्रुप प्ले राउंड हुआ। तो उन्होंने क्या करा, 6 से 8 लोगों को बांट दिया और उनपे ग्रुप डिस्कशन करा। किस पे करा? सिस्टम डिजाइन पे करा। तो SD1 हो लेकिन सिस्टम डिजाइन पे फोकस हो रहा है, ठीक है ना। अगेन लिंकलिस्ट के क्वेश्चन आए और एक बाइनरी ट्री का क्वेश्चन आया। तो अगर तुम देखो लिंकलिस्ट टॉपिक्स वही है, लिंकलिस्ट बाइनरी ट्री रिकर्जन, बट थोड़ा सा मतलब उनपे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना चाहिए, थोड़ा सा अपने आंसर्स को ऑब्जेक्टिवली बताना है ना, कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मैंने इससे यह आउटकम रहा है। हाय, मायसेल्फ पारिख हियर। सर, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू क्रैक अ कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट। तो यार, लास्ट वीडियो में मैंने एक अमेजोन के लिए वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताई थी टू क्रैक अ कंपनी लाइक अमेजोन। और अगर तुमने नहीं देखे तो जाके पक्का देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और उसमें हमने क्या करा था, हमने देखा था कि अमेजोन राउंड 1 में क्या पूछती है, राउंड 2 में क्या पूछती है, राउंड 3 में क्या पूछती है, SD1 के लिए क्या पूछती है, इंटर्नशिप में क्या पूछती है, ऑफ कैंपस में क्या पूछती है, ऑन कैंपस में क्या पूछती है। तो सिमिलर वे में आज हम माइक्रोसॉफ्ट के लिए एनालाइज करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट राउंड 1 में, राउंड 2 में, ऑफ कैंपस में, ऑन कैंपस में डिफरेंट जगह क्या क्या पूछती है, जिससे कि हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि हमें किन टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी करनी है, हमें किन चीजों के लिए रेडी रहना है और हमें क्या एक्स्ट्रा चीजें करनी है टू क्रैक अ कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, तुम्हें पक्का अच्छे समझ में आने वाला है कि हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब एंड इसको अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने अगेन यहाँ पर 5 इंटरव्यू एक्सपीरियंस निकाल रखे हैं। तो बेसिकली 2 ऑन कैंपस है एंड 3 ऑफ कैंपस है ना। और डिफरेंट वेराइटी है कि SD1 ऑन कैंपस, SD1 ऑन कैंपस इंटर्न, और फिर अगेन ऑफ कैंपस में 2 SD1 के ऑफ कैंपस है और 1 इंटर्न ऑफ कैंपस है, ठीक है। तो चलते हैं एक एक करके, पहले शुरू के 2 ऑन कैंपस है, फिर लास्ट के 3 ऑफ कैंपस है, एक एक करके कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यार सबसे पहला ये है, दिस इज SD1 ऑन कैंपस, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो उसने बोला मिनिमम 7.5 CGPA चाहिए थी, ठीक है। एक तो हमें पता लग रहा है यार, थोड़ा सा ना CGPA अभी देखेंगे कि कितनी चाहिए, बट आई थिंक इसने बोला मिनिमम 7.5 CGPA चाहिए थी, तो हमने टिप में डाल दिया। उसने रिज्यूमे टिप में बोला मेंशन योर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस एट द टॉप, ठीक है। प्रोजेक्ट्स को मेंशन करना और एक्सपीरियंस को मेंशन करना सबसे ऊपर। बी क्लियर ऑन व्हाट वाज डन, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चूज अ बैलेंस बिटवीन वाइट स्पेसेस, तो मतलब थोड़ा सा रिज्यूमे में ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। तो रिज्यूमे में वो बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बोल रहा है कि भाई प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो, है ना, और नो ग्रामेटिकल एरर्स, नो ग्रामर एरर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। दैट कैन बी डन, इट टेक्स लेस देन 2 मिनट टू स्कैन अ रिज्यूमे, डोंट मेंशन थिंग्स विच आर इररिलेवेंट, ठीक है। 2 मिनट लगते हैं किसी को भी देखने में कि रिज्यूमे अच्छा है नहीं, तो प्लीज ढंग से बना के एक बारी सोच समझ के करना चाहिए रिज्यूमे, ठीक है। चलो राउंड 1 पे चलते हैं। राउंड 1 में क्या हुआ, 45 मिनट का ऑनलाइन कोडिंग राउंड हुआ। उसके अंदर क्या हुआ, 3 क्वेश्चंस आए, कोक्यूज वाले प्लेटफॉर्म पे आए, और ऑन द डे ऑफ द टेस्ट 5 से 11 बजे के बीच में कभी भी दे सकते थे। तो 3 क्वेश्चन आए, किस किस के आए, लिंक्ड लिस्ट के आए, ठीक है जी। तो लिंक्ड लिस्ट एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया मैक्सिमम सब RSM, बहुत ही कॉमन है, कैडेनेज एल्गोरिथम का क्वेश्चन है ना, इसको डीपी से भी कर लेते हैं। तो डीपी टाइप का टॉपिक अच्छा हो गया हमारे लिए, दैट वी नीड टू प्रिपेयर। सम ऑफ लीफ नोड्स एट मैक्सिमम लेवल, तो अगेन एक बाइनरी ट्री का क्वेश्चन है, तो बाइनरी ट्री भी अच्छे से हमें करना है, ठीक है, दैट इज देयर, ठीक है। राउंड 1 का तो ये हो गया। अब राउंड 2 में क्या हुआ, राउंड 2 में ग्रुप डिस्कशन राउंड हुआ, ग्रुप फ्लाई राउंड। आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट राउंड, माइक्रोसॉफ्ट के गुड़गांव के ऑफिस में बुलाया गया और वहां पर 60 स्टूडेंट्स का ग्रुप प्ले राउंड हुआ। तो उन्होंने क्या करा, 6 से 8 लोगों को बांट दिया और उनपे ग्रुप डिस्कशन करा। किस पे करा, सिस्टम डिजाइन पे करा। तो SD1 हो लेकिन सिस्टम डिजाइन पे फोकस हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आई थिंक हमें सिस्टम डिजाइन पे फोकस करना पड़ेगा और रेडी रहना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के लिए कि यार थोड़ा सा अगर हम ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस कर लिए ना, ठीक है। तो 6 से 8 लोगों में डिस्कस हुआ, उनसे कुछ ग्लोबल ऑडिटोरियम बुकिंग प्लेटफॉर्म पे सिस्टम डिजाइन पे फोकस करा गया। तो राउंड 2 वाज लाइक दैट। फिर राउंड 3 में उसने बोला कि ग्रुप फ्लाई राउंड में उन्होंने दो, हर ग्रुप में से 2-2 लोग सेलेक्ट कर लिए फॉर द फर्दर राउंड्स। और फर्दर राउंड्स में क्या हुआ, 2 क्वेश्चन पूछे गए, एन क्वीन प्रॉब्लम, आई थिंक रिकर्जन बैक ट्रैकिंग की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो मैं रिकर्जन लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट वी नीड टू प्रिपेयर। लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री, अगेन मैंने बाइनरी ट्री तो बताई दिया, काफी कॉमन क्वेश्चन भी है ये, लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद 50% स्टूडेंट सेलेक्ट हुए फॉर द नेक्स्ट राउंड।
दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अ हेक्टिक डे एंड ऑलरेडी लेट बाय नाउ, तो पूरे सब कुछ एक ही दिन में चल रहा था, ठीक है। तो इसने बोला द कोड कंसिस्ट ऑफ राइटिंग द एंटायर कोड फ्रॉम स्क्रैच ऑन व्हाइट पेपर, तो ये ऑफिस में जाके बुलाया जा रहा था तो व्हाइट पेपर पे हो रहा था, है ना। अगेन लिंकलेस के क्वेश्चन आए और एक बाइनरी ट्री का क्वेश्चन आया, तो अगर तुम देखो लिंकलेस टॉपिक्स वही है, लिंकलेस बाइनरी ट्री रिकर्जन, बट थोड़ा सा मतलब उनपे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर राउंड फाइव क्या हुआ, 30 मिनट्स का हुआ, एचआर राउंड हुआ, है ना। इसमें द इंटरव्यूअर वाज अ सीनियर मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस करी, इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, तो मैनेजर डिस्कशंस हुए, है ना। बी ओपन माइंडेड, वो बेसिकली कुछ कुछ चीजें बता रहा है कि ओपन माइंड रहना चाहिए एचआर के साथ डिस्कशन में, है ना। पे अटेंशन टू द डिटेल्स, इट इज ओके टू आस्क क्वेश्चन इन दिस राउंड्स, कि कंपनी किन चीजों पर प्रोजेक्ट्स पे फोकस करे, तो थोड़ा सा इन चीजों का हमें प्रिपेरेशन कर लेनी चाहिए। तो आई थिंक एचआर राउंड की थोड़ी सी तैयारी करके चली जानी चाहिए, बिकॉज क्या तुम पूछोगे कि कंपनी किस चीजों पर फोकस करिए, ओवरऑल वो एचआर से तुम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा SD1 ऑन कैंपस, अब SD1 इंटर्न ऑन कैंपस पे चलते हैं, ठीक है। दिस इज हियर, तो अगेन इसके में क्या हुआ, अबव 8 CGPA आया, तो पिछले बार 7.5 था, इंटर्न में 8 CGPA, तो यार अगर 8 रख लोगे तो वेल एंड गुड CGPA, है ना। थोड़ा सा CGPA पे फोकस हो रहा है। योर रिज्यूमे शुड कंसिस्ट ऑफ मेनली स्किल्स प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स, ये भी वही बात बोल रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू नेवर लाई ऑन योर रिज्यूमे, आई थिंक इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी चीज मत लिख दो जो तुम्हें नहीं पता, तो नेवर लाई ऑन रिज्यूमे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके राउंड्स पे चलते हैं। राउंड में क्या हुआ, 3 कोडिंग क्वेश्चन आए फर्स्ट राउंड में, अगेन जैसे उसमें था, एंड द टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन मेटल प्लेटफॉर्म, तो पहला वाला कोक्यूज पे हुआ था, ये मेटल प्लेटफॉर्म पे हुआ। हर स्टूडेंट को 3 कोडिंग क्वेश्चन आए। इसका अगर हम बात करें मीन मीडियन मोड ऑफ एन अनसॉर्टेड एरे, दैट इज अ क्वेश्चन, तो इसने कुछ कुछ सॉर्टिंग लगा के मोड निकाल लिया वैसे वाला, या फ्रीक्वेंसी एरे लेके कर लिया, सही है सही है। फिर उसने nth टर्म ऑफ GP सीरीज आया था, है ना, इसने बेसिकली कुछ सेट प्रिसीजन मेथड यूज करा और उसके हिसाब से GP निकाली, और डाइस थ्रो आया, विच इज आई थिंक अ DP क्वेश्चन, तो वही कॉमन है, मतलब थोड़ा मतलब काम करने वाले क्वेश्चन, लाइक एडॉक क्वेश्चन आते हैं कि कोड बहुत सारा करना पड़ेगा, उन चीजों पे फोकस्ड है, ठीक है। फिर राउंड टू क्या हुआ, डेटा स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन था और डिस्कशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स, तो यार डिस्कशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स होता है, तो यार प्रोजेक्ट्स डिस्कशन के लिए हमें अच्छे से रेडी कर लेना चाहिए, जो भी हमने बनाया है उस पर थोड़ा फोकस करके हमें काम कर लेना चाहिए, ठीक है, श्योर। फिर उसे ट्रीज का क्वेश्चन हुआ, बाइनरी ट्री का क्वेश्चन, डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंस ऑफ एन एरे, आई थिंक ये रिकर्जन और हैश मैप का क्वेश्चन है ना, तो आई थिंक हैश मैप भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, रिकर्जन तो है ही, वो हम पहले लिख चुके हैं, हैश मैप भी आ गया। फिर राउंड 3 फिर वीडियो कॉल पे हुआ, दिस राउंड वाज बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड इंटरव्यू वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो इंटरव्यूअर उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, उसको ढंग से उसको जवाब नहीं दे रहा था, तो बता नहीं रहा था कि तू राइट ट्रैक पे है नहीं, तो थोड़ा सा डीप डिस्कशन उसके वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे भी हुआ। तो अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हो रहा है ना, ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट पे डिस्कशन नहीं होता, प्रोजेक्ट पे डिस्कशन होता है फिर कुछ कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, तो उससे फिर लिंक्ड लिस्ट का क्वेश्चन पूछा गया, दैट वाज लाइक दिस। फिर इंटर्न का लास्ट में एक एचआर और कोडिंग राउंड हुआ और ये फाइनल राउंड था, तो इसके साथ एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया कि यार nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट कैसे निकालना है, तो लिंक्ड लिस्ट अगर तुम देखो थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट का, लिंक्ड लिस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। There was a serious discussion on my projects, like why did you choose the project, what are its advantages? तो projects का discussion बहुत drill down करके हो रहा है हर interview में, ठीक है। तो इसको अच्छे से हमें ready कर लेना चाहिए for a company like Microsoft, ठीक है। तो ये तो हो गया intern on campus का, अब चलते हैं हम off campus, ठीक है। This is SD1 off campus, again अगर हम यहाँ देखें तो उसने बोला है 8 CGPA, राइट right? तो CGPA पे तो फोकस कर रही है माइक्रोसॉफ्ट, इसको हम नहीं छोड़ सकते, तो प्लीज अच्छी CGPA रखो फॉर अ कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट। इसने बोला कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की रैंक्स डाला करो या कोडिंग का सर्टिफिकेट डाल दो कि लाइक यू डू प्रोग्रामिंग रेगुलरली, कि कुछ पता लगे, है ना, ट्राई टू एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट एंड स्टडी अबाउट दोस प्रोजेक्ट, है ना। तो आई थिंक वो बोल रहा है कि अगर CP रैंक्स हम डाल सके दैट विल बी रियली ग्रेट, ठीक है। फिर राउंड 1 हुआ काउंट स्क्वायर, तो सीधा इसके 2 कोडिंग क्वेश्चन हुए, है ना, ऑफ कैंपस के अंदर 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए और ये फेस टू फेस राउंड था, तो उसने ऑफ कैंपस अप्लाई करा और फेस टू फेस राउंड डायरेक्ट हुआ, तो कोई फर्स्ट ऑनलाइन कोडिंग राउंड नहीं हो रहा ऑफ कैंपस में, ठीक है। उससे काउंट स्क्वायर्स पूछा गया, ये आई थिंक DP का क्वेश्चन है और ये फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव आई थिंक काफी कॉमन है एरे का क्वेश्चन, तो इस पे अच्छे से फोकस करा उन्होंने। फिर राउंड 2 क्या हुआ, 100 मिनट्स का राउंड हुआ, आई थिंक 1.5 घंटे का राउंड, तो बहुत सही है।
there was one coding question and questions on C, computer networks, DBMS and OS and system design. तो यार अगर हम बात करें तो केवल ये नहीं, आई थिंक काफी चीजों पे फोकस्ड है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स भी पढ़ना पड़ेगा, है ना? ठीक है, उसने डीबीएमएस भी बोला, डीबीएमएस पे क्वेश्चन आए और ओएस पे क्वेश्चन आए, एंड ऑब्वियसली सिस्टम डिजाइन तो मैं लिख ही चुका हूं. तो रिमूव के डिजिट्स इज अ कोडिंग क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन में उससे पूछा गया पेजिंग क्या होता है, ओएस का क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, एसक्यूएल क्यों यूज करी है, तो डीबीएमएस का भी पूछ लिया, हाउ विल यू स्केल योर बैकएंड, सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन भी हो गया. तो इस पे थोड़ा ग्रिल डाउन ज्यादा हो रहा है ना, तो वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट. फिर उसे राउंड थ्री में पूछा गया, इंटरव्यूअर वाज क्वाइट एक्सपीरियंस, ही आस्क्ड मी वन कोडिंग क्वेश्चन एंड आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट कॉलेज एंड रिज्यूमे. तो कॉलेज के राउंड क्वेश्चंस पूछे गए, लॉन्गेस्ट डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग, दैट इज अ स्ट्रिंग क्वेश्चन, तो आई थिंक स्ट्रिंग के क्वेश्चंस भी हमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने चाहिए. ठीक है, लॉन्गेस्ट डुप्लीकेट सबस्ट्रिंग. सो ठीक है, हमें इससे पता लगा कि हमें किस टॉपिक पर फोकस करना चाहिए. अब एक और चलते हैं, दिस इज अगेन ऑन कैंपस, ठीक है, ऑफ कैंपस, सॉरी, दिस इज अगेन ऑफ कैंपस, SD1 ऑफ कैंपस. इसने अगेन बोल रहा है, कीप ओनली रिलेवेंट थिंग्स फॉर द जॉब यू आर अप्लाइंग, मिनिमल डेटा विद मेजरेबल कंट्रीब्यूशन एंड इफेक्ट. तो मेजरेबल कंट्रीब्यूशन कि नंबर हो तुम्हारे पास, कि मेरी रैंक ये है, या मैंने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उस प्रोजेक्ट का क्या आउटकम है, इतने यूजर्स यूज कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेजरेबल आउटकम, बहुत सी बात करी है इसने, कि जो भी तुम बना रहे हो उसका एक मेजरेबल आउटकम होना चाहिए. प्रोजेक्ट बनाया तो कोई नंबर हो तुम्हारे पास उसका, है ना. फिर इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, अगेन डायरेक्ट फेस टू फेस राउंड हुआ, तो कोई कोडिंग राउंड नहीं हो रहा फर्स्ट राउंड, है ना. इसमें क्या पूछा हुआ, एक डिस्टिंक्ट डेटा स्ट्रक्चर राउंड हुआ डिस्टिंक्ट आइलैंड्स का, उसने डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू बता दिया. तो आई थिंक ग्राफ्स भी हमें अच्छे से कर लेना चाहिए, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, फिर राउंड टू में क्या हुआ, अगेन एक फेस टू फेस राउंड था, दिस वॉज अगेन डेटा स्ट्रक्चर राउंड. इसमें क्या पूछा गया, उसे रिकर्जन का क्वेश्चन पूछा गया, और फिर उसको बाद में डायनेमिक प्रोग्रामिंग में चेंज करना पड़ा, है ना, वर्ड रैप क्वेश्चन है. सो अगेन रिकर्जन प्लस डीपी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर अगेन एक सिस्टम डिजाइन राउंड. तो अगर हम देखें हर जगह घूम घूम के सिस्टम डिजाइन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट में, है ना. इससे यहाँ पर क्या पूछा गया, विच कैन हैंडल बुकिंग्स एंड कैन ऑनबोर्ड वेंडर्स एंड कस्टमर्स टू देयर प्लेटफॉर्म. ओके, फिर उसके बाद राउंड फोर फिर से सिस्टम डिजाइन. तो सिस्टम डिजाइन काफी ज्यादा पूछा जा रहा है. डिजाइन सिंक्रोनस सिस्टम विच कैन हैंडल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स. तो दैट इज अगेन अ सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम. फिर लास्ट में एक एचआर राउंड हुआ. इट वॉज मोर और लेस फोकस ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस. आइडिया वॉज टू चेक द फिटमेंट फॉर द टीम एंड माइक्रोसॉफ्ट कल्चर. बी ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट योर वर्क, है ना. ट्राई टू आंसर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवली वेयर दे कैन मेजर योर इम्पैक्ट एंड द वैल्यू यू आर ब्रॉट टू द कंपनी, है ना. थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना चाहिए, थोड़ा सा अपने आंसर्स को ऑब्जेक्टिवली बताना है ना, कि भाई मैं ये काम करता हूँ और मैंने इससे यह आउटकम रहा है, राइट. तो इस पर फोकस रह रहा है उसका, ठीक है. सो दिस वॉज SDE ऑफ कैंपस. तो इससे हमें निकल के आया कि सिस्टम डिजाइन पे थोड़ा फोकस ज्यादा हुआ इसका, है ना. अब चलते हैं हम SDE इंटर्न ऑफ कैंपस. दिस इज SDE इंटर्न ऑफ कैंपस. इसमें क्या पूछा गया, एप्लीकेशन प्रोसेस में उसने अप्लाई करा, एलिजिबिलिटी इज कंप्यूटर साइंस एंड इट्स रिलेटेड ब्रांच. तो थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच के लिए अलाउड था फॉर बेसिकली इंटर्नशिप, ठीक है. रिज्यूमे उसने बोला नॉट मोर देन वन पेज, हैव एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स विद सम अचीवमेंट इन कोडिंग कॉन्टेस्ट, राइट. थोड़ा सा अगर कोडिंग कॉन्टेस्ट में होगा तो बहुत सही है. ट्राई टू कीप ओनली दोज थिंग्स इन रिज्यूमे इन विच यू फाइंड योरसेल्फ कंफर्टेबल, है ना. फालतू की चीजें नहीं डालनी रिज्यूमे पे, जिस चीज में कंफर्टेबल हो वही चीजें डालनी है, ठीक है. फिर से राउंड वन पूछा गया, दिस वॉज शेड्यूल, अगेन फेस टू फेस राउंड हुआ, है ना. क्या था, एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर्ड टू फिल अ फॉर्म. फिर उससे 2 क्वेश्चन आए उसके अंदर, वैलिडेट BST बायनरी का क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस आई थिंक अगेन स्ट्रिंग का, और DP का क्वेश्चन है. तो काफी सही है. फिर उससे सीधा दूसरे राउंड में डायरेक्ट, तो इंटर्न है ऑफ कैंपस है, तो बस कोडिंग राउंड हुआ, है ना, इंटरव्यू राउंड हुआ, उतना खत्म होने के बाद डायरेक्ट HR राउंड हो गया, है ना. HR राउंड में उसने कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट करा, उसने कुछ कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स दी कि मैनेजर, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मैनेजर से अगर ये हो गया तो कैसे बात करोगे, वैसी वाली चीजें, है ना. बेसिकली दोज आर ओपन माइंडेड क्वेश्चंस, है ना, कि तुम कैसे सोचते हो, मतलब इट्स, मतलब उसका कोई जेन्युइन फाइनल आंसर नहीं है, बट तुम्हें तुम्हारा कैसा थॉट प्रोसेस है वो जज करते हैं वो. और उससे 2 पजल पूछी गई, एक हॉर्सेस वाली पजल पूछी गई और ट्रेन कोलिजन की पजल पूछी गई. तो आई थिंक दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थोड़ी सी पजल्स की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, है ना. HR राउंड में उसे पजल्स पूछ ली गई. सो आई थिंक हमें समझ में आ गया कि टॉपिक्स क्या करने हैं और क्या टिप्स हैं, है ना. आई थिंक वी हैव गॉट द कंप्लीट समरी. अगर हम ये अच्छे से चीजें कर लेंगे तो हमारी अच्छे से तैयारी हो जाएगी. माइक्रोसॉफ्ट में अगर हम देखें
तो सिस्टम डिजाइन मुझे एक स्टैंड आउट लगा कि थोड़ा सा अलग से पूछता है, बाकी वही डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में। डेटा स्ट्रक्चर्स में लिंक्ड लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिसको हमें अच्छे से कर लेना चाहिए, ठीक है। ये कुछ टिप्स हैं विच वी कैन रेफर टू क्रैक अ कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट। बाकी हमने सारा कवर कर दिया। अगर तुम्हें कुछ और लगता है कि मेरी इन वीडियोस में कुछ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर तुम्हें पसंद आ रही है वीडियो तो बेसिकली कमेंट्स अच्छे अच्छे लिखो, बताओ कि हाँ दिस इज वर्किंग वेल। किसी और कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो वो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, और लाइक एंड शेयर तो पक्का कर लेना यार वीडियो को, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ओके चलो, थैंक यू।